वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वांशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवी प्रिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोपरुण देयं सदा परिभवग्नम अविष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिंचनुतं शरण्यं भीतात्यहं वनतपाल भवाद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटायां विस्फुरीजित किमी गपवधुष्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मुई कदा करुष श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी तवाम भागम नारायण प्रियमनंगो मदापहारम वाराणसीपुरपति भजविश्वनाथम बागीशजुष वदने लक्ष्मीजस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम
तथापिते देव पदाम्बुज तयो प्रसाद लेशोनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्न एकोऽपि चिरं विचिन्वन्नो अथापिते देव पदाम्बुज तयो प्रसाद लेशोनुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न जान्यो एकोऽपि चिरं विचिन्वन्नः गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं श्री गुरु पाद पद्म सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करने से मैं निर्मोह निर्भर निर्भय अशोक हो सकता। गौड़ीय गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए अगर हम सदगुरु चरण में आश्रय ग्रहण करें तो आश्रय ग्रहण करने से मैं निर्मोह निर्भय निडर अशोक अभय हो सकता। यदि अगर हम लोग निष्कपट रूप से भरपूर कृपा आशीर्वाद मांगने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से गुरु पाद पद्मों हम लोगों का मंगल विधान करेगा ही करेगा। अगर हृदय से मांगता तो जरूर गुरुपाद पद्मों हमारा चरम मंगल एब्सोल्यूट मंगल का परम मंगल का व्यवस्था कर सकता है, इसमें कोई संशय संदेह रह नहीं सके, कोई किस्म का संशय संदेह रहना संभव नहीं है। भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास करना, गुरुचरण में पूर्ण रूप से विश्वास करना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। अगर मंगलमय मंगल का जो ठिकाना है, मंगल का जो तमाम उत्स है सोर्स, जहाँ ये मंगलमय भगवान का प्रति विश्वास व आस्था कॉन्फिडेंस नहीं है तो अमंगल तो होगा ही होगा, अमंगल होना ही है। इसीलिए आरोह पंथा या जिसको बोलता है अश्रोत पंथा, इसीलिए आरोह पंथा अथवा जिसको अश्रोत पंथा बोला जाता है, ये हर हालत में परित्याग करके अवरोह पंथा या जिसका नाम है श्रौत पंथा यही ग्रहण करना जरूरी है। यदि अगर हम लोग वास्तविक रूप से मंगल चाहता है तो फिर हम लोगों का जिंदगी में इतना दिन जो है एतावत काल, इसमें जितना सारे कचड़ा इकट्ठा किया है, जो कुछ भी रुपया पैसा मान इज्जत कुछ भी हो, यदि अगर हम लोग एब्सोल्यूट मंगल चरम मंगल को चाहते हैं तो फिर आज तक जितना सारे संचित विषय है, जितना सारे लाभ पूजा पद सब कुछ भी है, से श्री पाद पद्म में अहेतुक रूप से समर्पण करना, निष्काम रूप से समर्पित करना जरूरी है। उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जे ये होने से हम देंगे, ऐसा कोई निष्काम रूप से संपूर्ण रूप से कोई
हेतु रहित रूप से श्री भगवत चरण में समर्पित करना, निष्काम रूप से समर्पित करना जरूरी है। और तत्त्वानुकंपा का जो विषय है, तत्त्वानुकंपा का जो विषय है, भगवान का कृपा कब होगी मेरा ऊपर, ये प्रसाद मतलब कृपा को ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। जब तक तत्त्वानुकंपा विचार हमारा अंदर में ना ठहरे, तब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, बेचैनी बने रहेगा हृदय में। जब तक भगवान का कृपा का ऊपर भरोसा रख के, जरूर आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परशु, कभी भी भगवान का कृपा जरूर होगी मेरा। जैसे हमने बताया था मुकुंदों का विश्वास, जब भगवान ने बताया कि करोड़ों जन्म बाद इसको हम कृपा करेंगे, तो आनंद से उछल पड़े, नाचना शुरू कर दिया। महाप्रभु जी ने पूछा वो नाचता क्यों है, क्या बात है? बोले आपने बोला करोड़ों जन्म बाद उसको आप कृपा करोगे, अच्छा, तो इस आनंद से वो नृत्य कर रहा है। महाप्रभु जी ने बताया चलो इसका इतना विश्वास है, ठीक है चलो, इसका एक इसका करोड़ों जन्म बीत गया, आ जा अभी हम कृपा करेंगे। भगवान का कृपा को, भगवान का अहेतु की कृपा का ऊपर वैष्णवों का अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा का भी व्याख्या पहले हो चुका है बहुत बार। अगर अहेतु का माने ऐसा लगाओ कोई कारण नहीं है ऐसे हो गया, तब तो दुनिया का हर आदमी को मिलना चाहिए। तो हमने क्या गुनाह किया जो हमको बात दिया, क्यों उसको क्यों कृपा किया, ये सारे व्याख्या पहले हो गया। भगवान का कृपा के द्वारा हम अनुग्रहित तो नहीं होने से भगवान का गुप्त रहस्य, भगवान का धाम, भगवान का लीला, भगवान का इच्छा क्रियाकर्म कुछ नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि भगवान तमाम मंगल का सोर्स है, अनंत मंगलमय भगवान, भगवान अनंत मंगल का उत्स है, सोर्स है, भगवान अनंत मंगल का सोर्स है। भगवान को ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं रखने से, भगवान को ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास नहीं रहने से हमारा जो कुछ भी डिपॉजिट है वो छोड़ने के लिए मन नहीं करेगा। अरे छोड़ दिया तो चलो बाद में क्या हो सकता, भरोसा नहीं हो सकता। कि भगवान का ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास, श्रद्धा नहीं होने से, श्रद्धा विश्वास नहीं होने से हम लोगों का इकट्ठा किया गया जितना सारे सामान है, विषय वस्तु है, और निशंक रूप से विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, निशंक रूप से छोड़ देने के लिए, निशंक रूप से छोड़ देने के लिए, निशंक रूप से छोड़ देने के लिए मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, संभव नहीं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक भ्रमित अवस्था में गिर गया, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर सका। जो कुछ भी हाथ में है, जो कुछ भी हमारा हाथ में है, वो भी अगर छोड़ दिया तो क्या हो सकता, अगर भगवान नहीं किया, कृपा नहीं किया तो
अंतिम में मेरे को मुसीबत में गिरना पड़ेगा ना, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें। यदि अगर भगवान कुछ हमको देना चाहे, यदि अगर भगवान का ऐसा ही विचार है, अगर भगवान का तरफ से मेरे को कुछ प्राप्ति करने का कोई व्यवस्था नहीं हो जाए, अगर भगवान का तरफ से मेरा मिलने का कुछ विषय है नहीं, तो अगर हमारा अपना अधिकार में जो कुछ है वो भी अगर छोड़ दिया, तो भगवान कृपा नहीं किया, भगवान विषय नहीं दिया, इधर भी नहीं, दो तरफ से मुसीबतें हैं, दो तरफ से मुसीबतें हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कभी भी पूर्ण शरणागत भक्तों को निराश नहीं कर सकता। भगवान कभी भी अपना शरणागत भक्तों का मन रथ, मन की इच्छा प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। भगवान कभी भी अपना शरणागत भक्तों को निराश नहीं कर सकता। हम लोगों का तमाम अभाव अभियोग, हम लोगों का तमाम अभाव अभियोग सब मिटाने का अधिकार भगवान का एक चुटकी का विषय है। भगवान के ऊपर जब तक हमारा परिपूर्ण रूप से विश्वास भरोसा नहीं हो जाए, तब तक मैं निश्चिंत रूप से ठहर नहीं सकता, तब तक मैं सुखी नहीं हो सके। तरह तरह का डिसेटिस्फेक्शन, असंतोष, बेचैनी हमको घेर के रखेगा। भगवान का अमंदोदय दया, भगवान किसी को कोई कृपा किया, उसका बाद अगर अमंगल का कोई क्वेश्चन नहीं है, पैदा नहीं हो सकता, तो फिर इसको अमंदोदय दया कहा जाता है। किसी ने भगवान का चरण में प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये लड़की को मेरा जिंदगी में प्राप्त करा दो, ये मैं इसके अलावा मैं जी नहीं सकूं, तो अगर भगवान ने उसका पुकार सुन लिया, ठीक है चल, इसका बात क्या हुआ, वो लड़की घर में आकर पिता माता का खटिया खड़ा कर दिया, तब तो रोना शुरू कर दिया, भगवान ये लड़की की क्यों आया। भगवान ऐसा कृपा नहीं कर सकता, नहीं चाहता किसी को देने। भगवान का कृपा ऐसा है, जिस कृपा का साथ परम मंगल का जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है। भगवान कृपा करने का बाद फिर अमंगल आ गया, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं। भगवान का अमंदोदय दया जीवों का जिंदगी में चरम मंगल, महामंगल ला सकता। इतना मंगल है, नित्य मंगल है, जो भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता, जो भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता। भगवान का अगर कृपा हो जाए, भगवान का अगर पूर्ण कृपा हो जाए मेरा ऊपर, तो अनुक्षण हर वक्त
सेवा करने का बाद भी हमारा अंदर का जो आशा है ये मिट नहीं सकता, और सेवा करने का इच्छा पैदा हो। भगवान का सेवा ऐसा है अमृतमय, सेवा करने का बाद और सेवा करने का इच्छा पैदा हो और सेवा, हमारा आशा मिट नहीं सकता। हम कुछ नहीं कर सके भगवान का, हाय हाय, हमारा थोड़ा बहुत भी भगवान का चरण में कोई कृपा है, भगवान का चरण में मेरा कोई प्रीति नहीं है, ऐसा भाव हृदय में पैदा होगा। वास्तविक कृपा जो प्राप्त किया है उस समय भगवान का नाम रूप गुण लीला अनुशीलन करने में और आनंद बढ़ेगा। और चाहिए इसमें, अरे बहुत सुन लिया और दरकार नहीं है, दूसरा काम भी तो है, ये भावना नहीं हो सकता। जब परिपूर्ण कृपा हो गया भगवान का, तो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये अनुशीलन, इसमें और आनंद बढ़ते रहेगा, अनुराग बढ़ते रहेगा। अगर किसी का जिंदगी में भगवान का सेवा, भगवान का नाम रूप गुण लीला पर ये जो अनुशीलन है, ये अगर उसका लिए एक ही तो चीज है, क्या होगा, ऐसा अगर भाव है तो फिर यूं समझ लेना ये नैराश्य रूप अंधेरे में डूब जा रहा है। भगवान कृतज्ञ, भगवान समर्थ, भगवान महाबदन्यो, इस प्रभु हम लोगों को कभी निराश नहीं कर सकता। यद्यपि जीवों का जिंदगी में एक स्वतंत्रता रूप से महारत्न महामूल्य रत्न भगवान ने दिया है, किंतु फिर भी जीवों का स्वतंत्रता अल्टीमेटली भगवान का कंट्रोलिंग में है। भगवान का विरुद्ध आचरण, गुरु वैष्णव का विरुद्ध आचरण करके आज तक कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अमंगल ही अमंगल बुला के लाए हैं, कुछ करने का नहीं है। याद है पिछले कई दिनों से श्रील रूप गोस्वामीपाद जी के द्वारा विरचित ये उपदेशामृतों का तीसरा नंबर श्लोक का एक एक शब्दों का चर्चा करते हुए हम लोग तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् ये विषय पर आ पहुंचा। भक्ति अनुकूल क्या क्या है, इसमें तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् ये भी भक्ति का अनुकूल क्रियाकर्म का ही बारे में बताना चाहा। उत्साहात् निश्चात् द्विज्यात् तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात् सतो वृत्तेः सर्वभिर् भक्ति ही प्रसिद्धति। इस विषय चर्चा करते हुए याद है आपका, हम लोग तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् का ये विषय वस्तु चर्चा करते हुए गुरुदेव का लक्षण का बारे में चर्चा की। गुरु कौन है, कौन हो सकता, क्या दे सकता, गुरु का कृपा से क्या हो सकता, ये सब, और आगे चल के से गुरु का सेवा और दीक्षा ग्रहण का अवश्य कर्तव्य इत्यादि बारे में चर्चा किया, हो चुका है। और यहां तक भी चर्चा हुआ कि अगर कोई अनयूजुअल विषय है जो स्वाभाविक नहीं है,
ऐसा विषय को हमारा एक प्रामाणिक रूप में सामने रखना मुश्किल है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया, अगर ध्रुव महाराज जी ये एक ही शरीर अपना शरीर लेके ध्रुवलोक को पधार गया, तो ये कोई किसी के लिए संभव नहीं, ये अनयूजुअल केस, ये एकमात्र ध्रुव महाराज जी के लिए हुआ है, तो इसके कोई नियम बना के रखना उचित नहीं। साधु मार्गानुगमनम बा पूर्व वैष्णव का अनुगमन। ध्यान दे इस बात पर, साधु मार्गानुगमनम अथवा जिसको पूर्व गुरु वैष्णव का अनुगमन बोल के विचार किया गया, साधु मार्गानुगमनम, इसका मतलब है पूर्व सूरी हमारा गुरु वर्गो का परंपरा का अनुसरण कर अनुसरण परंपरा का अनुसरण करना, पूर्व गुरु वैष्णव को पूर्व गुरु वैष्णव के द्वारा पूर्व गुरु वैष्णव के द्वारा दिखाया गया जो रास्ता है, उसी रास्ते पे चलते हुए हमको आगे बढ़ना है। ध्यान दे इस बात पर, साधु मार्गानुगमनम मतलब है पूर्व गुरु वैष्णवों का दिखाया गया जो रास्ता है, उसी रास्ते से आगे चलते हुए हमको अपना भजन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। अगर महाजनों का पथ से अगर महाजनों के द्वारा दिखाया गया रास्ते से हम जरा सा भी हट गया तो मेरा सत्यनाश होगा ही होगा। इसीलिए श्री महाभारत में स्कंद पुराण में कई जगह साधु मार्गानुगमनम इस विषय में रोशनी डाला, बहुत सारे नियम श्लोक का प्रमाण दिया गया, वेद विभिन्न सुतय विभिन्न न शो मुनिर जस्व मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्यम नीतो गुहायम महाजनो जेनो गतु सपन्ता। महाजन लोग जो रास्ता दिखाया है, इसी रास्ते पे जाने से हमारा कोई क्लेश हो नहीं सकता। स्कंद पुराण का प्रमाण भी है, शामृग श्रेयसाम हेतु पंथहा संताप वर्जिता वर्जिता अनबाप्त श्रमम पूर्वे जेनो संतः प्रतस्थिर। क्या बताया? शामृग श्रेयसाम हेतु पंथहा संताप वर्जिता अनबाप्त श्रमम पूर्वे जेनो संतः प्रतस्थिर। उसी रास्ता स्वमृग उसी को टारगेट रखना है। अगर हम चरम मंगल को चाहता है, श्रेयसाम हेतु पंथहा जो रास्ता हमको दिखाया है, जो संताप वर्जित है जिसमें कोई क्लेश का कोई संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, अनवाप्त समम पूर्वे अनायास जिस रास्ते में चलते हुए मैं अपना लक्ष्य वस्तु तक पहुंच सकता, अनवाप्तो श्रमम पूर्वे जेनो संतः प्रतस्थिर, जैसे महाजनगण जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में जाना ठीक है, उचित है।
साधु मार्गानुगमनम या तो पूर्व वैष्णव गुरु वैष्णव का अनुगमन करने का विषय में ये विचार पक्का है कि सद्गुरु चरण से दीक्षा और शिक्षा लाभ करने का बाद सौभाग्यवान शिष्य हर वक्त महाजनानुगमनम अथवा पूर्व साधुगणों का जो रास्ता है दिखाया हुआ इसी रास्ते में चलने का प्रयास प्रचेष्टा जरूर करेगा। शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बताया, शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने खुल्लाम खुल्ला ऐलान कर दिया। शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर ने शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने खुल्लाम खुल्ला ऐलान कर दिया कि जो दाम्भिक व्यक्ति है, ध्यान दे इस बात पर, जो लोग दाम्भिक है, अहंकारी है, जो लोग दाम्भिक है, अहंकारी है, ये लोग हर वक्त पूर्व महाजनों का के द्वारा दिखाया गया रास्ते से भटक जाता है और नया कुछ बनाना चाहता है, नया एक रास्ता, एक नया रास्ता खोलना चाहता है, एक नया रास्ता खोलना चाहता है। ये नियम है। काल जो हरि कथा हुई है, ये हरि कथा का टाइटल है, बहुत सुंदर, क्योंकि वहां एक विशेष ध्यान देने वाला बात है, वहां एक विशेष ध्यान देने वाला बात है। वो क्या है जो अनुगत शरणागति अनुगत और जहां अनुगत शरणागति और कृतज्ञता भाव, कृतज्ञता माने ग्रेटिट्यूड, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है इसका लिए एहसान मानना जरूरी है। हमने ये लिखा जे शरणागति का साथ अर्थात अनुगत्य का साथ ये ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता स्वीकार करना ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। अनुगत्य नहीं है तो मैं किसी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बेईमान ट्रेटर बेईमान होके गुरु वैष्णव का एहसान मानना भूल जाने के लिए तैयार हूं, ऐसा सिचुएशन है। कृतज्ञता का साथ ये जो कृतज्ञता का साथ ये जो एहसान मानना किसी का, ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जिसका कृतज्ञता है उसका जरूर शरणागति भी है, जिसका वास्तविक अनुगत्य है, शरणागति है, वो एहसान जरूर मानेगा गुरुवर्गों का, वैष्णवों का। अगर नहीं मानता है तो यूं समझ लो कि दाम्भिक है, एक गिरा हुआ इंसान है, माया का सागर में डूब गया है, ये समझ लो। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया दीक्षा और शिक्षा लाभ करने का बाद कोई सौभाग्यवान, बड़ा सौभाग्यवान शिष्य
पूर्व साधुगुरु वैष्णव का दिखाया गया पंथा रास्ता का अनुगमन करेगा, जरूर करेगा। भक्तिगुण ठाकुर जी ने खुल्ला में खुल्ला ऐलान कर दी कि जो दाम्भिक व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, जो दाम्भिक व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, जिसका जिंदगी में शरणागति बोल के कुछ है नहीं, जिसका जिंदगी में शरणागति बोल के कुछ है ही नहीं, अनुगत्य बोल के कुछ है ही नहीं, ये लोग दाम्भिक व्यक्ति है। और भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया ये दाम्भिक व्यक्ति पूर्व महाजनों के द्वारा दिखाया गया रास्ता छोड़ के, अमान्य करके, वायलेट करके, इग्नोर करके एक नया रास्ता खुलता है। ये एक नया रास्ता खोलने के लिए तैयार है, कर खुलता है नया पंथा। वो चाहता है कि मेरा ये जो मैं जो प्रचार किया, शिष्य बनाया, हम ऐसा कुछ दिखाएंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी भी भक्ति विनोद ठाकुर से भी बढ़कर है, पोपा से भी बढ़कर है। वो लोग किया नहीं, हमने करके दिखाया। छागल का माफिक विचार है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया ये दाम्भिक व्यक्ति पहले पहले पूर्व महाजनों का दिखाया गया रास्ता को अनादर करके, अमान्य कर इग्नोर कर नया पंथा, नया रास्ता खोलना चाहता है। तो इसका नतीजा क्या है? तो फिर इसका नतीजा क्या है, क्या हो सकता अंतिम में? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया इसका नतीजा ये है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया इसका नतीजा ये है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखाया है इसका नतीजा ये है। इसका नतीजा ये है कि वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी, अति शीघ्र ये लोग एक घटिया रास्ता, कुपथ, एक फालतू उल्टा रास्ता में जाकर, कुपथ मतलब उल्टा रास्ता में जाकर अपना सर्वनाश कर डालता है। और जो लोग इसका पीछे है, फॉलोअर्स है, ये लोगों का भी सर्वनाश कर देता है। इसीलिए बताया गया शास्त्र में, स्कंद पुराण में, स्वमिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथा संतापरिजिता अनवाप्त श्रमम पूर्वे जेनो संत प्रतस्थिर। जो हमारा पूर्व सूरी, पूर्व महाजनगण, पूर्व गुरुवर्ग अनायास जिस रास्ते में चलकर हमको दिखाया, इसी रास्ते में चलो, इसमें कोई कठिनाई, कोई परेशानियां नहीं आएगी। इसका नाम है शंता वर्जित पंथा। ये चरम, ये सकल मंगल का हेतु है, ये तमाम मंगल का हेतु है, ये चरम मंगल का हेतु है। यदि अगर किसी के जिंदगी में वास्तविक मंगल चाहिए तो ये जरूर महाजनानुगमन ये विषय को समझे और पालन करे। पूर्व
साधुगणों का दिखाया गया जो रास्ता है, ये चर्चा करने से, ये चर्चा करने से, इस रास्ते में जाने से हमारा दिल में दृढ़ता, रिजिडिटी, साहस है और संतोष, सेटिस्फेक्शन वो आएगा ही आएगा। श्रील सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया, इसीलिए श्रील सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए, इसीलिए हम लोग जब श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री हरिदास ठाकुर, ये लोगों का जो दिखाया गया भजन पंथा है, इस भजन रास्ते में अगर हम लोग जाए तो इसमें कोई कोई समस्या नहीं आ सकता है। वे लोग जो रास्ता दिखाया है, वास्तविक साधु लोग जो है, जो अनुगत्व में है, जो वास्तविक साधु लोग है, इसी रास्ते में चलने का प्रयास प्रचेष्टा करता है। और जो लोग दाम्भिक है, जशोलिप्सु, जो लोग दाम्भिक है, जो लोग दाम्भिक है, जो लोग जशोलिप्सु है, ये लोग अपने को सबसे बड़ा आचार्य, जो बड़ा साधु साबित करने के लिए हमारा पूर्व महाजन भक्तिविनोद ठाकुर, प्रभुपाद, केशव महाराज, केशव श्रीधर महाराज, ये लोगों का अतिक्रमण करके, अतिक्रमण इग्नोर करके, वायलेट करके ये लोग नया रास्ता दिखाना चाहता है। ये लोग नया रास्ता दिखाना चाहता है। जो लोगों का तकदीर, जो लोगों का तकदीर बहुत खराब है, ये लोग नया पंथा किसी धोखेबाज आचार्यों का दिखाया गया नया पंथा में जाकर उसी में शामिल हो जाता है और जगतवासी को वंचित कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रह्म जमाल किताब से उठाया गया, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रह्म जमाल का वाक्यो, ब्रह्म जमाल का वाक्यो उठाकर उद्धृति देकर प्रमाण दिया गया। क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रो विधिंग बिना ओकांत की हरेर भक्ति रुत्पातैव कल्पते। भक्ति रोकांति की वेयम अविचारत प्रतीयते वस्तु तस्तु तथा नैवो जशो शास्त्र जशो जशशास्त्रियते क्षते। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिया, जो लोग महाजनों का पद का अवहेलन, अवमानना, अतिक्रमण करके नवीन पथ, नया पंथा दिखाया है, ये लोग अचिरात बहुत शीघ्र सर्वनाश का रास्ते में चला गया। और ये लोगों का जो फॉलोअर है,
मूर्ख है, ये लोग भी सत्यनाश का रास्ते में चलेगा, इसमें कोई बोलने का नहीं है। ये लोग के हाथ में बहुत सारे पैसा इकट्ठा है, इसीलिए गुरु वैष्णव भगवान को मानते ही नहीं, चुटकी देके उड़ा देते हैं। प्रभुपाद जी ने यह बात बताया, जब ज्यादा पैसा रहेगा, इज्जत सम्मान प्रभाव प्रतिपत्ति रहेगा, तब ही गुरु वैष्णव का अपमान करने का इच्छा होगी। जब बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो गया, मान इज्जत सब कुछ ठाकुर जी ने दे दिया, उसी समय गुरु वैष्णव को अपमान करना, इग्नोर करना, उपेक्षा करने का एक वासना हृदय में पैदा होगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया ये नया रास्ता और नवीन आचार्य जो ये इसका विलोप होगा ही होगा। नया रास्ता और नया आचार्य जो नवीन आचार्य जो का विलोप होगा ही होगा। तात्पर्य ये है, भक्ति का रास्ता अनगिनत कांटे से भरपूर है, भक्ति का रास्ता अनगिनत कांटे से भरपूर है, इसमें चलना बहुत कठिन है। एकमात्र महाजनों जेनो गतो सपंथा, महाजनों के द्वारा दिखाया गया इस रास्ते में चलने से आज नहीं तो कल हमारा चरम मंगल होगा ही होगा। भक्ति के रास्ते में वैदी भक्ति और रागानु का भक्ति दो किस्म का देखा जाता है। दोनों रास्ते में, किसी भी रास्ते में, ये दोनों रास्ते में ही पहले महाजनों के द्वारा दिखाया गया रास्ते में चलना है। ये नहीं कि रागानुगा है, इसमें कोई नियम रोक टोक नहीं चल सकता, उल्टा पल्टा कर दे, ऐसा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया नवीन पथ, नया पथ और नवीन नया आचार्यों का विलोप होगा ही होगा। भक्ति पथ दो तरीका, दो किस्म का है, एक वैदी भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति, दो किस्म का। और दोनों रास्ते में ही पहले महाजनों का दिखाया गया रास्ता अधिकार का अनुसार दिखाया गया जो रास्ते हैं, इसी रास्ते में चलते हुए भजन का लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करें। श्रुति स्थिति पुराण पंचरात्रो ये सब किताब में, श्रुति स्थिति पुराण पंचरात्रिक ग्रंथों में जो विचार दिखाया गया, जो ऑथेंटिक रास्ता वैध रास्ता दिखाया गया, इसी रास्ते में चलते हुए ये सब ग्रंथों में जो विचार दिखाया, ये विचारितो और प्रदर्शितो दिखाया गया रास्ता, इसी में हमको चलना है। अगर श्रुति स्थिति पुराण पंचरात्रिक ग्रंथों का विचार, महाजन अनुगमन सब परित्याग करके छोड़ दिया, तो हमारा सत्यनाश होना ही है, हमारा सत्यनाश होना ही है। महाजनों के द्वारा दिखाया गया रास्ते में
चलते हुए अगर कुछ समस्याएं आन पड़े फिर भी अच्छा है। और महाजनों का दिखाया गया रास्ता छोड़कर बुद्धोदेव दत्तात्रेय ये सब नया नया पंथा को ग्रहण करके उल्टा रास्ते में जाना उचित नहीं है, क्योंकि बुद्धो दत्तात्रेय ये सब का जो अवतार का प्रसंग है इसका पीछे भी बहुत सारे रहस्य है, इसका पीछे भी बहुत सारे रहस्य है। जैसे दत्तात्रेय परशुराम ने एक रास्ता खोल दिया, दत्तात्रेय एक रास्ता खोल दिया, ठीक है ना, ऋषभ देव एक रास्ता खोल दिया, बुद्धदेव एक रास्ता खोल दिया ना। ये सब नवीन पथ मतलब भागवत धर्म का बारे में ये लोग बताए। भागवत धर्म नित्य है, भागवत धर्म नित्य है, अनादिकाल से विराजमान है। और जो नया पंथा को आविष्कार करने वाले ये जो बुद्ध है दत्तात्रेय है इस नवीन पंथा, ये नवीन पंथा में अल्टीमेटली बहुत सारे समस्याएं हो सकती। ये जो नया पंथा है ये नया पंथा में चलने से बहुत सारे उटपटान अमंगल आ सकता है। अगर कोई सोचे महाराज ये भी तो भगवान का अवतार है, दत्तात्रेय है, बुद्ध है, बोला हाँ ठीक है, लेकिन ये सब अवतार का पीछे गहरा रहस्य है, ये सब अवतार का पीछे गहरा रहस्य है। ये लोग भागवत धर्म को फॉलो करके दिखाया नहीं, महाजनो जेनो गतु सपंथा ये लोग दिखाया नहीं। तो अविचार के मारे ये सब नया पंथा को अगर हम सोचे कि यही वैकांत की हरिभक्ति, अगर ऐसा सोचे कि इसी का ही नाम है वैकांत की भक्ति, प्रपात भक्ति में ठाकुर जी ने बताए असली बात ये नहीं है। अविचार के मारे अगर कोई समझे कि जो दिखाया गया रास्ता है नवीन पंथा इसको ही अगर वैकांति की हरि भक्ति बोल लें, वैकांति की हरि भक्ति बोल के अगर विचार बनाता है ये हरि भक्ति बोलने से वास्तविक ये हरि भक्ति हो ही नहीं सकता। ये हरि भक्ति इसी को ही हरि भक्ति बोलने से ये हरिभक्ति नहीं हो सकता, वैकांतिक हरिभक्ति हो नहीं सकता। जो एब्सोल्यूट सत्य है परम सत्व है, वेदादि शास्त्रों में जो लिखा गया है जो सत्य पथ है एब्सोल्यूट पथ है, जहां सत्य पथ है वो वेदादि शास्त्र में प्रदर्शित है, भागवत जी महापुराण में सब जगह प्रकाशित है, पंचरात्रों में श्री सच्चिदानंद भक्ति में जो कह रहे हैं आजकल वर्तमान युग में बहुत सारे नवीन पंथा खोल जाता है, बहुत सारे नवीन पंथा आविष्कृत होता है, लेकिन अल्टीमेटली अंतिम अवस्था में ये लोगों का पंथा और जो दिखाया था पंथा आचार्यों ये लोक प्राप्ति होता है, मैंने सत्यनाश हो जाता है, मरमिट जाता है। अल्टीमेटली
अंतिम में ये नवीन पंथा के द्वारा आविष्कृत जो सब रास्ता है, अल्टीमेटली आचार्यों का साथ, आचार्यों का साथ टुगेदर विद आचार्यों, ये लोग विलोप हो जाता है, विलोप प्राप्त हो है। जैसे डायनोसिरस विलुप्त तो हो गया, वाचर विलुप्त तो होने जा रहा है, गिद्धराज ये शेष होते जा रहा है। तो पूर्व महाजनों का दिखाया गया जो रास्ता है, इसी का नाम है महाजनानुगमन। महाजनानुगमन जहां नहीं है वहां भक्ति भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, वहां एकमात्र उटपटांग है। इसका बाद दिखाया गया उत्साह निश्चा द्विज्ञा तत्त्कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ति सर्वीर भक्ति प्रसिद्ध सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पीछा मतलब मैं कैसे भजन करे, जैसे कि मेरा चरम मंगल हो जाए। जो सद्धर्म पीछा मतलब, सद्धर्म पीछा मतलब, सद्धर्म पीछा मतलब, सद्धर्म पीछा का मतलब है नित्य धर्म का जिज्ञासा, अर्थात सनातन धर्मों नित्य धर्मों का बारे में पूछताछ करना, किसी रास्ते में जाए कैसे फायदा हो सकता है हमारा भजन का, ये सब जो प्रश्न है इसका नाम है सद्धर्म परीक्षा अथवा नित्य धर्मों का ऊपर जिज्ञासा करना। जो वास्तविक साधु शिष्य है, जो असाधु नहीं है, जो वास्तविक साधु शिष्य है, ये अवश्य सद्धर्मों का बारे में जिज्ञासा करे। और ये जिज्ञासा करना ये भक्ति का अनुकूल है। सद्धर्मों का बारे में जो पूछताछ करना, प्रश्न करना, ये भक्ति का अनुकूल है, भक्तिजनक कृत्य। अतः नारदीय पुराण का एक वाक्य है, अतः श्री नारदीय पुराण का एक प्रमाण वचन उद्धार करके इस बात को स्थापित करना चाहता हूँ। वो क्या है, जो लोग साधु शिष्यों अगर भजन का बारे में, सेवा का बारे में कुछ पूछताछ करे, प्रश्न करे, ये बड़ा भारी भक्तिजनक है। सद्धर्म परीक्षा बा नित्य धर्म का परीक्षा। श्री नारदीय पुराण में लिखा गया अचिराद एवो सर्वार्थ सिद्ध सिद्धति अचिराद एवो सर्वार्थ सिद्धति एषाम अविप्सितः। अचिराद एव सर्वार्थः सिद्धति एषाम अविप्सितः सद्धर्मस्य अवबुधायो सद्धर्मस्य अवबुधायो येषाम निर्बन्धिनी मतिः। अचिराद एव सर्वार्थः सिद्धति एषाम अविप्सितः। सद्धर्म स्वावधायो
जैसा निर्बंधनी मति, जिसका जिंदगी में चरम मंगल को लाभ करने के लिए, जिसका जिंदगी में चरम मंगल को लाभ करने के लिए इरादा पक्का है, अचिराद एव सर्वार्थ सिद्धति येषाम अभिषितः सद्धर्म शावबुधायो येषाम निर्बंध निगति मति। सद्धर्मों का अनुशीलन करने में, सद्धर्मों समझने के लिए, अनुशीलन करने के लिए जिसका अंदर में निर्बंधिनी मति, एकदम पक्का इरादा फैसला कर लिया, ये लोग के लिए क्या है बोला, ये लोग क्या करे, ये जरूर शुद्ध गुरु वैष्णव के पास, तत्वविद पुरुषों का पास पूछताछ करे, प्रश्न करे, गुरु वैष्णव का पास को प्रश्न करे, कैसे सीखे, कैसे किया जाए, ये सब प्रश्न करे तो अच्छा है, तो अच्छा है। अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध तेषाम अभिषित सद्धर्म शवबुधायो जेषाम निर्बंधिनी मति। सद्धर्म को जानने के लिए, सद्धर्म पालन करने के, जिसका अंदर में निर्बंधिनी मति एकदम फिक्स डिटर्मिनेशन। सौभाग्यवान पुरुष जो व्यक्ति है, सौभाग्यवान पुरुष जैसा मापिक साधुगणों का भजन चरित्र का अनुशीलन करने में इच्छुक हो जाता है, सौभाग्यवान पुरुष जो लोग हैं, सौभाग्यवान पुरुष जैसे शुद्ध साधुगुरु वैष्णव का भजन चरित्र का अनुसरण करने में इच्छुक होता है, इसी मापिक जिन लोगों का सत धर्मो भगवत धर्मो सनातन धर्मो जानने का वासना हृदय में है, वो लोग जरूर शुद्ध गुरु वैष्णव का पास अनुगमन करके प्रश्न करें, पूछताछ करें, जरूर पूछताछ करें, तो फिर पूछताछ करने से तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम, उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम, उपोदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ऐसा नियम है श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया। अर्जुन को भगवान ने बताया तद्विद्धि, ये समझ लो अर्जुन, अर्जुन ये बात पक्का समझना, तद्विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नो सेवा, प्रणिपात परिप्रश्नो और सेवा, तीनों के द्वारा अगर शुद्ध गुरु तत्व ज्ञानी पुरुषों को संतुष्ट कर सको तो तद्विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो सत्वदर्शिनः, तो तत्वदर्शी व्यक्ति हमको तत्व ज्ञान को उपदेश दे सकता है। सौभाग्यवान व्यक्ति जो लोग अंदर में कोई संशय संदेह हो, राजनीति असरल भाव, मतलब कोई सरल भाव नहीं है, डुप्लीसिटी है, ये लोग तो संपूर्ण रूप से बिखर जाएगा, उल्टा रास्ता में जाएगा। लेकिन अहोभाग्य से जिन पुरुषों का जिंदगी में, सौभाग्यवान पुरुषगण जैसे साधुगणों का भजन चरित्र का अनुसरण करे और प्रश्न करे,
जो कैसे करे महाराज बताओ। ऐसा मापिक ये लोगों का धर्म, ये लोग भगवत धर्म जानने के लिए अगर प्रयास प्रचेष्टा करें, जनित वासना करें तो अच्छा है। तो ये लोग अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष इन लोग को उपदेश देके ही रहेगा, उपदेश देता है, उपदेश देता है। तद्विद्धि परिपातेनो परिवेशनो सिवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनो। लेकिन जो लोग दुर्भागा है, जो लोग का तकदीर जल गया है, ये दुर्भागा व्यक्ति लोग दाम्भिक होता है, बड़ा अभिमान रखता है, दुर्भागा, ये सब दुर्भागा व्यक्ति, ये सब व्यक्ति, ये लोग दाम्भिक होता है, दुर्भागा दाम्भिक गण इसका विपरीत आचरण में पवित्र है। दुर्भागा दाम्भिक गण जो महाजनों का दिखाया गया रास्ता, ये रास्ता का उल्टा रास्ता में जाता है, विपरीत आचरण में प्रवृत्त है और साधु गुरु पूर्व महाजनों का अतिक्रमण करके, अवमानना करके, अवहेलन करके नरक का रास्ते पे जाने का प्रयत्न करता है। ये संत महात्मा शौत पंथा इससे अलग पृथक पथ, ये लोग शास्त्रों का विचार के ऊपर, अपना टीका टिप्पणी, ये लोग शास्त्रों का विचार के ऊपर महाजनों का पूर्व सूरी महाजनों का दिखाया गया रास्ता पर नहीं चलना चाहता है। ये लोग महाजनों का दिखाया गया रास्ते से उल्टा रास्ता में जाता है और लोगों को उल्टा शिक्षा देता है, इसी को ही अपना अपना प्रतिष्ठा के लिए सिद्धांत तो बोल के स्थापन करता है, जबकि ये संपूर्ण रूप से अलग सिद्धांत है, ये कोई सिद्धांत है ही नहीं, गलत। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने 150 साल पहले बड़ा उद्वेग प्रकाश किया। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने आज से 150 साल पहले बहुत सारे उद्वेग प्रकाश किया था। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने कह रहे हैं ये लोग महाजन अनुगमन ये तो दूर की बात है, इसका बात तो छोड़ो, उल्टा अपना सिद्धांतों को आदर करता है, स्थापना करता है, उल्टा अपना अपना सिद्धांत विचार को स्थापना करके एक नया रास्ता खोलना चाहता है संप्रदाय। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जगतवासियों के लिए जो शिक्षा दिया है, श्रीमान महाप्रभु जो जगतवासी का मंगल के लिए जो शिक्षा दिया है, ये सब शिक्षा ऐसा विचार का पालन नहीं करते हुए, नहीं समझते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जे जगतवासी के जो शिक्षा दिया है इसको सही ढंग से
समझे बिना, इसको सही ढंग से आचरण के साथ समझे बिना अगर प्रचार का प्रयास प्रचेष्टा लगाए तो उल्टा होगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा? भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताया, मंगल तो दूर की बात है, बरम बरम माने ऑन द कंट्ररी उल्टा, तद्विरुद्ध मत, तद्विरुद्ध मत और चैतन्य महाप्रभु का विपरीत मत सिद्धांत विचार को जगत में सिखाने के लिए जा रहा है, प्रचार में लोगों को शिक्षा देने के लिए दौड़ता है प्रचार में। हाँ, प्रचार में चलो। श्रील ठाकुर जी ने बताया इसमें जगतवासी का कितना अमंगल हो गया है। श्रील ठाकुर जी ने बताए, श्रील भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताए इसमें जगतवासी का कितना अमंगल हो गया है, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये सब लक्कर दास जी, ये सब धोखेबाज कभी सोचता भी नहीं है कि जगत का कितना अमंगल ये लोग कर दिया, अपना अमंगल और ये लोगों का अमंगल कर दिए, सोचता ही नहीं। ये लोग का सोच की बाहर है। श्रील भक्तिवेन ठाकुर जी ने बताया जो लोग सरल है, मतलब अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मनोदह, अंतर और बाहर में जिसका कुटिल भाव नहीं है, जिसका अंदर में डुप्लिसिटी नहीं है, ये लोग श्री चैतन्य चरितामृतों का अंदर में दिया गया महाप्रभु का शिक्षा समझ सकता है। क्यों? ये लोग का जिंदगी अनुगतम है, गुरु वैष्णव का कृपा से ये समझ सकता है। श्रीमन महाप्रभु का दिखाया गया शिक्षा जो है, यही तो हमारा भजन का जीवन है। श्रीमन महाप्रभु का द्वारा सिखाया गया जो शिक्षा है, यही तो हम लोग का जीवन है, यही तो हम लोग का जीवन है, जीवन जिंदगी है। एकमात्र जिस शिक्षा का अंदर में सद्धर्म विराजमान है, सत्शिष्य सद्धर्म पहचानने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, सत्शिष्य सद्धर्म जानने के लिए विशेष प्रयास प्रचेष्टा करे। यदि अगर स्वयं समझने में असमर्थ है, यदि अगर स्वयं समझने में असमर्थ है, तो फिर शिक्षा गुरु जो लोग अभी भी विराजमान हैं, शिक्षा गुरुओं का चरण में निवेदन पूर्वक समझने का कोशिश करें। और जिन लोगों का जिंदगी में सद्धर्म जानने का एकदम पक्का विचार है, ये लोग का भजन का टारगेट अभीप्सित, ये लोग अभीप्सित हर वक्त बहुत जल्दी अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। क्या बताए? इसी तरीका से जे लोगों को अंदर में सद्धर्म जानने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, मन है, ये लोगों का अभीप्सित भजन का टारगेट और अभिप्सित सर्वार्थ जल्दी से जल्दी अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है, अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी प्रश्न आता है, सद्धर्म किसको बोले जाता है? काल भी चर्चा की इस विषय में, भागवत धर्मो सनातन धर्मो सद्धर्मो क्या है? सद्धर्म मतलब भगवत धर्म, भगवत धर्म का मतलब आत्मधर्म। वैष्णव धर्म है, ये जो सद्धर्म है
ये जो सद्धर्म है इसका पक्का सिंटम क्या है, मतलब सद्धर्म किसी को बोले किसको बोले जाते हैं? सद्धर्म मतलब भागवत धर्म, जिसका अंदर में कोई डुप्लीसिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। धर्मो धर्म प्रज्जित कौत्यवात्रो परम निर्माश्वराणम शतम वेद्यम वास्तवमत्रो वस्तु शिवदम तपत्रय उन्मिलनम। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया ये सद्धर्म पृच्छा मतलब भागवत धर्म के बारे में पृच्छा, सनातन धर्म के बारे में पूछा, आत्मधर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में पूछना, ठीक है। लेकिन आप जानते ही होंगे अगर कोई डुप्लीसिटी है तो अन्नाभिलाष है, कामना वासना है, तो फिर ये खत्म हो जाएगा, रह नहीं सके। अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। सद्धर्म के बारे में इस बात को ध्यान देना चाहिए। सद्धर्म क्या है? ना अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये अतिमा भक्ति, ये जो भक्ति रुत्तमा उत्तम भक्ति, अन्नाभिलाषित शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृत होने से तो फिर ये सद्धर्म क्या है थोड़ा बहुत समझ में आए। आज ये सद्धर्म को पालन करने के लिए मन में हर वक्त इच्छा होगी, किसी प्रकार का कामना वासना रहने से ये भागवत धर्म का अनुशीलन कंटामिनेटेड दूषित हो जाता है। अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम है। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण, यही शुद्ध भक्ति का लक्षण रूप जो सद्धर्म जितना है, मतलब यही जो लक्षण हमने बताया, कोई कामना वासना नहीं रह सकता, कुछ नहीं है। अन्नाभिलाषित शून्यम की अन्नाभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनुशीलनम ना सॉरी अन क्या अन्नाभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। यही शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, मतलब सनातन धर्म आत्म धर्म शुद्ध भागवत धर्म का जो स्वरूप लक्षण रूप जो सद्धर्म, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण रूप, ये जो हमने बताया, ये जो हमने बताया, ये जो शुद्ध भक्ति का लक्षण रूप जो सद्धर्म, जितना सारे सद्धर्म पृच्छा है, जितना सारे ये सब जिज्ञासा जब तक हृदय में उदित ना हो, ये सब शुद्ध भक्ति सद्धर्मों का लक्षण रूप जो विषय है, जब तक हृदय में इस विषय पर क्वेश्चन जिज्ञासा हृदय में पैदा नहीं हो रहा है, तब तक ये समझना जरूरी है कि जिज्ञासु हृदय अभी भी अंधकार में आवृत है, ये समझना जरूरी है। शुद्ध भक्ति किसी को बोला जाता है, इसका बारे में अगर कोई आइडिया ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए? रूप गोस्वामीपाद इसी को शुद्ध भक्ति बोला। रूप गोस्वामीपाद ने शुद्ध भक्ति किसको बोला जाता है इसको जानने के लिए उपदेशामृत का व्याख्या की। रूप गोस्वामीपाद शुद्ध भक्ति किसको बोला जाता है जो लोग अंधा परंपरा में अवस्थित है,
जो लोग अंधा परंपरा में अवस्थित है वो लोग शुद्ध भक्ति क्या है कैसा है ये समझ नहीं पाता है, ये समझ नहीं पाता है। आप अपना विचार का ऊपर भरोसा रखे तो इसमें अपना विचार के ऊपर भरोसा रखे तो एक कंटेमिनेटेड हो जाता है। अपना विचार के ऊपर भरोसा करने से अमिश्रा शुद्ध भक्ति हृदय में कभी भी उदित नहीं हो सकता। बहुत सारे पंडित लोग भक्तिविनोद कह रहे हैं, बहुत सारे पंडित अभिमानी भक्तिविनोद कह रहे हैं, बहुत सारे पंडित अभिमानी लोगों का साथ हम लोग का साक्षात्कार होता है और ये लोग समझता है कि हम लोग का विचार बुद्धि बहुत तीखा है और ये लोग सस्ता है। बहुत सारे जो पंडितों अभिमानी व्यक्तिगण संगे व्यक्तिगणों के साथ अगर साक्षात होता है, भक्ति में ठाकुर जी ने बताया, ये लोग सोचता है कि ब्रेन पावर है हमारा, विद्या बल है, इसी के भरोसे पर हम भक्ति का स्वरूप जान लिया। वस्तुतः कोई भी आदमी ज्ञान मिश्रा भक्ति को, कोई कोई आदमी कर्म मिश्रा भक्ति को भक्ति बोल के वंचित हो जाता है। एलो का दाम्भिक भाव इतना भयंकर है। एलो का दाम्भिक भाव यहाँ तक पहुँच गया कि यदि अगर श्री चैतन्य चरितामृतों का अर्थ सुनने जाए तो ये लोग बोलता है हर आदमी अपना अपना मंगल का बारे में सोचता है, हर आदमी अपना अपना मंगल का बारे में अच्छा सोचता है। तो फिर चैतन्य चैतन्य का अर्थो विचार लेने का क्या जरूरी है, ऐसा प्रश्न करता है। तो फिर चैतन्य चैतन्य का अर्थो लेने का विचार लेने का क्या दरकार है, अपना अपना विचार से हम समझेंगे वेद विधान तो आदि। चैतन्य चैतन्य का सहारा लेना क्यों जरूरी है, क्या किस लिए जरूरी है, चैतन्य चैतन्य का सहारा लेना क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? ये लोग का सद्धर्मो जानने का कोई इच्छा नहीं होने के कारण सद्धर्मों के साथ इन लोगों का कोई संबंध नहीं बन सकता। इसमें रिजल्ट यही होता है, फल यही है। जो ये लोग सकृतो, ये लोग अपना अपना सकृतो नवीन प्रणाली न्यू मेथड ऑफ भजन इसके अनुसरण करके आगे बढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन ये जो नवीन प्रणाली है इसमें अगर भजन करने के प्रयास से करें तो फिर शुद्ध भक्ति का आस्वादन कभी नहीं कर सकता है, तत्त्व कर्म प्रवर्तन में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। जैसे अभी बात को उठाए हमने, भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए संतुष्टि विधान करने के लिए कृष्ण का उद्देश्य में भोग त्याग करना जरूरी है। कृष्ण का उद्देश्य में अपना भोग और त्याग सब त्याग करना, कृष्ण तीर्थों में बसवास करे, एकादशी व्रतों और
एकादशी व्रत आदि पालन करे और वैष्णव तुलसी आदि का पूजन करे, ये भी भक्ति अनुकूली है, ये भी भक्ति का अनुकूली है, ये भी भक्ति का अनुकूली है। तो तत्त कर्म प्रवर्तन का तत्त कर्म प्रवर्तनात् इसका अंदर में आता है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् ये जो हमने बताया इसका कैटेगरी में ये आ रहा है। उत्साहात निश्चात द्विजात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात शतोवृत्ते हे सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति। भगवान का संतुष्टि विधान के लिए जो अगर अपना भोग वासना भोग भोग विलास को त्याग करे, ये साधु का कर्तव्य है। इंद्रियो तर्पण का नाम है भोग, और अप्राकृत भगवान का सुखो विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा का नाम है शिक्षियो इंद्रियो तर्पण जी का, इसका नाम है भोग। अगर अपना सारे इंद्रियो तर्पण का जो विषय है ये अगर कृष्ण सेवा का उद्देश्य में मैंने लगा दिया तो इसका नाम है भोग त्याग। तो माने क्या हुआ, भोग भी त्याग त्याग भी त्याग भोग भी त्याग। भोग करना तो कहना ही क्या है, भोग करना तो सख्त माना है, भोग भी त्याग और त्याग भी त्याग। त्याग को भी हम लोग बहुमानन, त्याग को भी हम लोग ऑनर सम्मान नहीं दिखाएंगे। क्यों, अगर त्याग वैराग्य है वास्तविक है कोई आकर्षण नहीं है तो अपने आप उसका अंदर में सब कुछ मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए संतुष्टि विधान करने के लिए कृष्ण तीर्थ मथुरा वृंदावन आदि जगह में वास करो, एकादशी व्रतो आदि पालन करना और वैष्णव का पूजन करना तुलसी आदि का पूजन करना, ये भी तत्त कर्म प्रवर्तन ये विषय का अंदर में आ रहा है। कृष्ण तीर्थ वास करना, श्री कृष्ण तीर्थ वास करने का मजा ये है कि इसमें साधु संतों का भी दर्शन होता है, होता ही है। कृष्ण तीर्थ वास करने से बहुत सारे जानकारी मिलता है, वो भक्ति होता है, भक्ति होती है। श्री कृष्ण तीर्थ वास करना ये भी साधनांग। हम अगर गोद्रुम में नंदोग्राम, ये गोद्रुम नंदोग्राम, हम अगर भजन करने के लिए ही दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं केवल भजन करने के लिए ही अगर गोद्रुम धाम में आश्रय लिया है तो ये अच्छा है। कृष्ण तीर्थवास एक ही साधन अंग है। श्री द्वारका मथुरा गंगा तीर ओ प्रभु का लीला सलीक में वास करने से सर्वथा भगवान श्री कृष्ण का याद आता है, हर वक्त भगवान श्री कृष्ण का याद आता है। अगर कृष्ण भगवान का याद हो जाए तो इससे बढ़कर मंगल क्या हो सकता है। वृंदावन में एक सुविधा है, किसी व्यक्ति को पूछो ये कहाँ जा रहा है, मथुरा जा रहा है। किसी व्यक्ति को पूछो कहां से आ रहा है तू, बड़े राधा कुंड से आ रहा है। एक गेहूं का ट्रैक्टर लेके कहां जा रहा है, नंदगांव जा रहा है। पैसा उठाने कहां जा रहा है, कोसी जा रहा है, कोसी हो गया। एक दोस्त का साथ बात करते करते चलते चलते कुछ भी भगवान का धाम का अनुशीलन हो जाता है, नाम का परिकर हो जाता है। ये सुविधा है और ये जगह हमारा सुविधा नहीं है, मटेरियल आदमी विराजमान है सब चारों ओर। कृष्ण तीर्थ वास करना ये भी साधन अंग है।
श्री द्वारका मथुरा गंगा तीर प्रभु का लीला स्थान में वास करने से हर वक्त भगवान का याददाश, हर वक्त भगवान का याददाश बने रहेगा, इससे बढ़कर मंगल क्या हो सकता है। हमारा जीवन जिंदगी का लोक व्यवहार में, हमारा जीवन जिंदगी का ये जो लोक व्यवहार है, हमारा जीवन जिंदगी का हर वक्त जो लोक व्यवहार है, ये व्यवहार में भक्ति साधन का जो अनुकूल है प्रयोजन मत अर्थो स्वीकार करना जरूरी है। और अधिक अगर संगो करे ये भक्ति लोप हो जाता है, भक्ति खराब हो जाता है। जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा लेना सख्त, जरूरत से ज्यादा लेना सख्त माना है। जितना जरूरी है वो स्वीकार ना करने से भक्ति साधन में ये न्यूनता, भक्ति साधन में ये न्यूनता प्राप्त होगा, अतत कमी हो जाएगा, इसके लिए सावधान रहे। और हरिवासर एकादशी आदि बहुत जत्न के साथ पालन करें, हरिवासर में सम्मान के साथ समस्त भक्ति पोषक, भक्ति पोषक जो जो अनुशीलन है इसका अभ्यास करें, समस्त भोग परित्याग पूर्वक, समस्त भोग परित्याग पूर्वक एक पक्ष के अंदर अथवा 15 दिन के अंदर, एक पक्ष के अंदर श्री हरिवासर आदि सम्मान का साथ पालन करे और समस्त भक्ति पोषक अभ्यास साधन करे, समस्त भोग और त्याग, समस्त भोग परित्याग पूर्वक, समस्त भोग परित्याग पूर्वक एक पक्ष काल के अंदर 15 दिन के अंदर कम से कम एक दिन भजन का अभ्यास करते करते टुडे और टुमोरो निरंतर भजन हो जाएगा। समस्त भोग परित्याग पूर्वक एक पक्षकाल 15 दिन का मध्य एक दिन एकादशी का दिन भजन अभ्यास करते करते निरंतर भजन का अभ्यास बन जाता है, इट्स बिकम एन हैबिट। शुद्ध गुरु वैष्णव के लिए ये जो भजन है ये हैबिट है। और तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् का अंदर धात्री अश्वत्थ, धात्री ना आमला फल, धात्री अश्वत्थ तुलसी गो ब्राह्मण और वैष्णव ये लोग का पूजन करना जरूरी है। ये जो धात्री है, अश्वत्थ है, तुलसी है, गो ब्राह्मण वैष्णव ये लोग अगर पूजितो और ध्यातो माने इसका ध्यान अगर जमाए गुरु जी का, कृष्ण महाराज सिद्ध गोस्वामी महाराज वैष्णव लोग का, तो ये जरूरी है। ये जरूरी है। और धात्री अश्वत्थ तुलसी गो ब्राह्मण वैष्णव का ये तो पूजन करना और ध्यान करना, ध्यातो तुलसी का बारे में ये बताया, भगवत जी महाप्राण के बारे में भी ये बताया, ध्यातो अनुमोदितो
ये सब बहुत सारे बात तुलसी का ध्यान भी करे ये भी चरम मंगल। आमला वृक्ष का, अश्वत्थ वृक्ष का, गुरु ब्राह्मण वैष्णव का, ये लोग पूजितो और ध्यातो, ध्यान ध्यान का भी विषय बन जाता है लोग। और मनुष्य का जिंदगी से तमाम पाप को मिटा देता है। जगत उन्नति साधक, जगत ना भज एनो जगत ये भजन का उन्नति साधक, भजन का उन्नति साधक, इसीलिए भजन का कृष्ण भजन का उन्नति साधक, इसीलिए उस प्रकार का कार्यो श्री कृष्ण प्रीति का अनुकूली है, श्री कृष्ण प्रीति का संघोग करना संभव है। दस किस्म का भजन अंग का बारे में शास्त्र में बताया गया, दस किस्म का भजन अंगों का बारे में शास्त्र में बताया गया। प्रभुपाद जी भी अलग से लिखा, चार्ट बनाया है प्रभुपाद जी ने। तो ये दस किस्म का जो भक्ति अंग है, दस किस्म का भक्ति अंग, भक्ति का शुरुआत का पहले ही आवश्यक स्वीकार जो, ये दस किस्म का भक्ति अंग पहले ही अवश्य स्वीकार जो स्वीकार करना है। यही दस किस्म का, यही दस किस्म का जो भक्ति अंग है, भजन अंग है, यही जो दस किस्म का जो भजन अंग है, ऐसी हरि भजन का हरि भजन का प्रारंभ रूप कार्य है, प्रिलिमिनरी कार्य। जो लोग ये दस किस्म का अंगों को अवहेलन करे, उपेक्षा करे, ये लोगों का जिंदगी में भजन और भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जो लोग ये दस किस्म का भक्ति का बारे में अंगों को अवहेला करता है, इग्नोर करता है, उपेक्षा करता है, ये लोगों का भजन और भगवत प्राप्ति होना बराबर कठिन है। अतः कोई अगर भजन करना चाहे तो, अतः कोई अगर भजन प्रयासी है, भजन करना चाहते हैं हो तो, अगर कोई व्यक्ति अगर हरि भजन का प्रयासी हो, अतः भजन प्रयासी व्यक्ति आदौ गुरुचरण का आश्रय ले, पहले अदो गुरुचरण का आश्रय लेना जरूरी है। गुरु का शिक्षा और गुरु सेवा करना जरूरी है। साधुगणों का जो रास्ता है, महाजन अनुगमन, ये जरूरी है। साधुगणों का चरित्र, साधुगण का आचार आचरण, स्वभाव सिद्धांत ये सब जरूरी है, ये जरूरी है। साधु के चरित्र का अनुशीलन करना, साधुगणों का सिद्धांत शिक्षा करना, अपना जिंदगी में हर वक्त कृष्ण का ही अनुसंधान करना, कृष्ण का संतुष्टि, अपना जिंदगी को कृष्णमय बनाने के लिए कृष्ण तीर्थ में वास करे,
करके कृष्ण का उद्देश्य में अपना क्षुद्र क्षुद्र सुख सुविधाएं भोगाकांक्षा परित्याग करे, सुख वासना परित्याग करे, व्यवहारिक कार्यों के द्वारा भक्ति अनुकूल भगवत संसार जैसे निर्वाहित तो हो सकता है आराम से, एरूप अर्थवृत्ति का शिकार करे। भक्ति अभ्यास के लिए हरिवासर बा कोई कृष्ण जन्म जयंती आदि प्रवृत्ति का कृष्ण व्रतों का अनुष्ठान करे। भगवत विभूतिमय संसार गौरव सहित भगवत विभूतिमय संसार गौरव सहित भगवत विभूतिमय संसार गौरव का स्थिति के लिए असत्य आदि का सम्मान करे। भगवत विभूतिमय संसार गौरव का स्थिति के लिए असत्य आदि ये सब का सम्मान करे। यही दस किस्म का अन्याय विधि अवश्य पालनीय। इसके साथ नीचे में दिखाया गया दस व्यतिरेक विधि, दस किस्म का अनुकूल विधि और दस व्यतिरेक विधि, अन्याय विधि और व्यतिरेक विधि। पहले जो दस किस्म का भक्ति अंगों का बारे में तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् का कैटेगरी में, दस किस्म का भक्ति का अंगों के बारे में अवश्य पालनी जो बताया है, भगवत विभूति मय संसार गौरव का स्थिति के लिए असत्व आदि आमला धात्री फल का वृक्ष ये सम्मान करना जरूरी है। यही दस अन्याय विधि अवश्य पालनीय, यही दस किस्म का अन्याय विधि अवश्य पालनीय, इसका साथ साथ दस किस्म का व्यतिरेक विधि, इसका साथ साथ निम्नलिखित दृष्टि व्यतिरेक विधि का पालन नहीं करने से कदापि कृष्ण भक्ति साधन कदापि भक्ति साधन नहीं हो सकता, संभव नहीं। अभी अन्य रूप से ये दस किस्म का अन्य विधि अवश्य पालनीय और इसका साथ साथ दस किस्म का व्यतिरिक विधि पालन नहीं करने से भक्ति साधन में टिक नहीं पाता, भक्ति साधन स्थिर नहीं रह सकता। मायावादी और नास्तिक गणों का संग ये तय करना है। कल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, दस किस्म का भक्ति अंगों का बारे में और ज्यादा हम चर्चा करेंगे कल। हर रोज ये कंप्यूटर का समस्याएं हैं, इंटरनेट का बड़ा श्रेयांग से विज्ञानी कली किसी भी रूप से किसी को मंगल की रास्ते में जाने नहीं देंगे। इसलिए देखो इतना शुद्ध प्रयास है, इसी में भी कोली फूट डालता है, समस्या सृष्टि करता है। आज ये काल ये परसों ये हर दिन कंप्यूटर का हालत बहुत खराब है, चारों लाइन खराब है,
तो ये 10 किस्म का अन्वय विधि का चर्चा आज हो पाया। काल इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, 10 किस्म का व्यतिरिक विधि पालन नहीं करने से भक्ति साधन स्थिर नहीं रह सकता है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया मायावादी और नास्तिक, मायावादी और नास्तिक जनों का संगो अवश्य त्याग करे। मायावादी ओ मायावादी ओ नास्तिक गणों का संग अवश्य त्याग करे। भगवत बहिर्मुख व्यक्ति गणों के साथ संग करने से अपना अनुभव खो जाता है, अपना सत्यनाश होता है। भगवत बहिर्मुख व्यक्ति गणों का संग करने से अपना चेतना गिर जाता है। व्यवहारिक कार्यों में ये लोग का साथ संबंध अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो समाज संघर्ष चलेगा नहीं। व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक कार्यों में ये लोग का साथ स्वयं सम्मिलन अवश्य होता है व्यवहारिक लोगों का साथ। उसी कार्यों करने तक ये लोग के साथ लोग व्यवहार थोड़ा करे, बाकी होने से काट दे। जो जो कार्यों पर्यंत ये लोग का व्यवहारिक संबंध जरूरी है तब तक करे, और कार्य हो जाने के बाद ये लोग का सहित कोई लोग व्यवहार नहीं रखना। अगर रखोगे तो भजन सत्यनाश। कृष्ण भक्ति का स्वरूप, चित कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है? ये कृष्ण भक्ति का स्वरूप जिन लोगों का हृदय में उदित हुआ ही नहीं, कृष्ण भक्ति का स्वरूप जो लोगों का जिंदगी में उदय तक हुआ ही नहीं, ये लोग ज्ञान कर्मों का आश्रय में हर वक्त अहंकार विशिष्ट दंभ विशिष्ट रहता है। अतः ये लोग ही भगवत बहिर्मुख, बहु देव देवी का सेवा करे, बहु देव से भी धर्मी निर्भेद ज्ञान पिपासु मायावादी वेद शास्त्र विरोधी नास्तिक प्रभृति भगवत बहिर्मुख व्यक्तिगुणों का संग ना करे। बहु शिष्यों बहु शास्त्रों पाठ करना सख्त माना है। शुद्ध भक्ति के रास्ते में जिन लोगों का श्रद्धा का उदय तक हुआ नहीं, ऐसा मापिक लोगों को शिष्य ना बनाए। करने से भक्ति संप्रदाय काज करने से भक्ति संप्रदाय कोई कारण और कोई दूसरा कारण किसी भी कारण दूषित हो जाता है। काजे अकाजे मतलब कोई कारण और बिना कारण दूषित हो जाता है। महारंभादि क्रिया उद्यम में भगवत भक्ति ह्रास होता है, नीचे गिर जाता है। महारंभादि मतलब एक बड़ा फंक्शन कुछ करने के लिए इसका उद्यम लगाया लेकिन अंदर में भक्ति नहीं है, तो इसमें तरह तरह का अपराध हो सकता है। महारंभादि क्रिया करने जाओ, आज 10,000-20,000 लोगों को प्रसाद पाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं सब बाहर से दाप बुलाओ पंडित लोगों को, ये सब महारंभादि क्रिया के क्रिया में जो उद्यम लगता है, महारंभादि क्रिया में जो उद्यम में क्या करें, ये भगवत भक्ति ह्रास हो कम हो जाता है। और ये तय करना जरूरी है।
भक्ति बहिर्मुख ग्रंथ समूह का कोई भी अंश अभ्यास व व्याख्या नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्ति जो कुछ किताब दिखाई पड़ता है, शुद्ध भक्ति जिन सब किताबों को उच्छिष्ट विख्यात तो हो गया है, शुद्ध भक्ति जो सब ग्रंथों में उपदिष्ट और व्याख्यात तो हुआ है, ये अवश्य वेद है। स्मृति पुराण पंचरत्व महाजनगणों का मीमांसा ग्रंथों पाठ करने से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा संप्रदाय का दूसरा विचार में आस्था रखने वाले दूसरा रास्ता में आस्था रखने वाले जैसे शिव शैव संप्रदाय काली संप्रदाय वो लोग संप्रदाय बोलता है। संप्रदाय मतलब तो ऐसा चीप नहीं है, बहुत सारे गहना विचार है। संप्रोदाघा मतलब हमारा ये लाइन पे जो शिक्षा है वो इंटैक्ट रूप से आगे बढ़ाना है, किसी को देना है, इसीलिए इसका संरक्षण प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन जरूरी है। इसका नाम है संप्रदाय। नाम से कभी कभी आदमी चिढ़ जाता है, संप्रदाय है, अरे तुम भी तो संप्रदाय का हो। कोई आदमी साबित करे वो संप्रदाय का नहीं है, जो बोलता है निरपेक्ष संप्रदाय वो भी संप्रदाय का है। दूसरा विचार पंथा लेकर तर्क वितर्क ना उठाए, दूसरा विचार का दूसरा मत का ग्रंथ को स्पर्श ना करे, चर्चा ना करे। यहाँ तक हमारा ये आज का विचार का विश्राम रखे, क्योंकि और जरूरी है। दूसरा चर्चा शुरू हो जाएगी अभी बृहद भगवतमृतो अंग्रेजी का, सो क्षमा करे, यहाँ तक हमारा विचार का विश्राम रखे। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयो प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन् महिम्नो न च अन्यो एकोऽपि चिरं विचिन्वन् वांछकल्पतरुषि कृपासिन्धु भविष्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।